हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, 1000 क्वेश्चन का तीसरा पार्ट हम आप तक लेकर आए हैं। दोस्तों, मैंने आपको इससे पहले दो पार्ट करा दिए हैं जिसमें लगभग 50-50 क्वेश्चन है, और इसमें भी दोस्तों हमने पीवाईपी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और करंट अफेयर के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी लिए हैं। साथ में दोस्तों जो भी जिले से राज्य से संबंधित इंपोर्टेंट फैक्ट होंगे उनके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों बिना समय गवाए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सबसे अधिक मृदा अपरदन करती है? तो इसका सही ऑप्शन है चंबल नदी। मध्य प्रदेश की चंबल नदी सबसे अधिक मृदा अपरदन करती है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मृदा अपरदन यानी मिट्टी को हटाना है अपनी जगह से, तो ऐसा करने वाली चंबल है। और दोस्तों यह मुरैना, भिंड आदि जिलों में सबसे ज्यादा मृदा का अपरदन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? तो इसका सही ऑप्शन है जबलपुर। जबलपुर में मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय खोला गया था। अब दोस्तों बात आई है जबलपुर की, तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको जबलपुर के बारे में बता दें। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से जबलपुर को जाना जाता है। राज्य का पहला नगर निगम जबलपुर में ही बनाया गया था। जबलपुर में ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। दोस्तों रानी दुर्गावती की समाधि बरेला गांव जबलपुर में ही स्थित है। भारत का प्रथम विकलांग पुनर्वास केंद्र भी जबलपुर में ही बनाया गया है। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय भी जबलपुर में ही बनाया गया है। मध्य प्रदेश प्रदेश का एकमात्र रत्न परिष्कृत केंद्र है। दोस्तों रूपनाथ जो जबलपुर में ही स्थित है, अशोक का अभिलेख यहाँ पर देखने मिलता है। तो ये दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं आपको याद रखने हैं, इनमें से कोई भी फैक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है मंडला। मंडला जिले में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अब दोस्तों बात आई है मंडला की, तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको मंडला जिले के बारे में बता दें। दोस्तों जबलपुर संभाग का एक जिला है मंडला। चीते के शिकार के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है मंडला जिला। बैगा नामक क्षेत्र भी, जहां पर बैगा जनजाति पाई जाती है, यह मंडला में ही स्थित है। दोस्तों मध्य प्रदेश का प्रथम और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली यह मंडला में ही स्थित है। और दोस्तों कान्हा किसली को 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। रानी अवंतीबाई की समाधि मंडला में ही स्थित है। अब दोस्तों यहां पर आप कंफ्यूज मत होना, मंडला में रानी अवंतीबाई की समाधि स्थित है और वहीं जबलपुर में रानी दुर्गावती की समाधि स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का कितने प्रतिशत मैग्नीज का उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है 16%। देश का मैग्नीज का उत्पादन मध्य प्रदेश में 16% किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ढमरिया नृत्य किस रीजन का है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बुंदेलखंड रीजन का। मध्य प्रदेश में ढमरिया नृत्य बुंदेलखंड रीजन का है। दोस्तों अगर आपको बताना हो बुंदेलखंड रीजन कौन कौन से हैं, तो आपको बता दें सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निमाड़ी, दतिया आदि जिले, ये दोस्तों जिले हैं जो बुंदेलखंड रीजन के अंतर्गत आते हैं मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विस संगमरमर जिले के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है जबलपुर जिले को। जबलपुर जिले को मध्य प्रदेश में श्वेत संगमरमर जिले के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों सबसे ज्यादा नर्मदा नदी द्वारा संगमरमर जबलपुर में ही बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं? तो इसका सही ऑप्शन है नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती ऐसी दो नदियां हैं मध्य प्रदेश में जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। दोस्तों आपको इसके अलावा एक और फैक्ट याद रखना है, मध्य प्रदेश की ये ऐसी दो नदियां हैं जो अरब सागर में जाकर मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुती जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है रीवा। रीवा जिले में बहुती जलप्रपात स्थित है। अब दोस्तों बात आई है जबलपुर की, सॉरी रीवा की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट रीवा के बारे में बता दें। सफेद शेरों की भूमि के नाम से रीवा को जाना जाता है। रीवा के सुपारी के खिलौने बनते हैं। राजा रामचंद्र के दरबार में तानसेन, जो कवि तानसेन थे, वह थे। दोस्तों प्रदेश का सबसे ऊंचा जो चचाई जलप्रपात है वह भी रीवा में ही स्थित है। रीवा में महामृत्युंजय का मेला लगता है। त्योंथर पुरातात्विक स्थल भी रीवा में ही स्थित है। ठाकुर रमणत सिंह स्टेडियम भी रीवा जिले में ही स्थित है।
आम अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश का, यह भी रीवा में ही स्थित है। तो दोस्तों इतने इंपोर्टेंट फैक्ट आपको रीवा के बारे में याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनोरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है कल्हण नदी पर, जो छिंदवाड़ा में है। दोस्तों यह धनोरा जलप्रपात कल्हण नदी पर है और धनोरा जलप्रपात छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। अब दोस्तों बात आई है छिंदवाड़ा की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट छिंदवाड़ा के बारे में बता दें। छिंदवाड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। देश का पहला मसाला पार्क छिंदवाड़ा में ही खोला गया था। एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में ही स्थित है। आदिवासी कला संग्रहालय छिंदवाड़ा में 1954 में बनाया गया था। तो दोस्तों इतने इंपोर्टेंट फैक्ट आपको छिंदवाड़ा के बारे में याद रखने हैं। एक और फैक्ट आपको बता दें दोस्तों, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वह भी छिंदवाड़ा के ही रहने वाले हैं, जिनका नाम है कमलनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जिसका सही ऑप्शन है 2 जनवरी 1936 को। 2 जनवरी 1936 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। अब दोस्तों बहुत हुआ आप जो क्वेश्चन याद करते थे मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पर है, तो इससे मॉडरेट होकर दोस्तों क्वेश्चन अब ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हाईकोर्ट की स्थापना हुई कब थी। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 2 जनवरी 1936 को, इस और मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही ऑप्शन है बी डी सावरकर ने अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरछा की स्थापना किस राजा ने की थी? तो इसका सही ऑप्शन है राजा रुद्र प्रताप ने ओरछा की स्थापना की थी। और दोस्तों आपको पता है ओरछा अब जो मध्य प्रदेश का नया जिला बना है निमाड़ी, उसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम वन पाए जाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है साजापुर। मध्य प्रदेश के साजापुर में सबसे न्यूनतम वन पाए जाते हैं। अब दोस्तों बात आई है साजापुर की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट साजापुर के बारे में बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका सही ऑप्शन है काली मिट्टी। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। मध्य प्रदेश के किस के खिलाड़ी मोहम्मद समी दत्त किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका सही ऑप्शन है हॉकी। दोस्तों मध्य प्रदेश के खिलाड़ी जो प्रख्यात खिलाड़ी हैं उनका नाम है समीर दाद और ये हॉकी खेल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का आवासीय खेल विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है अलीराजपुर। मध्य प्रदेश का खेल आवासीय विश्वविद्यालय यह अलीराजपुर जिले में स्थित है। अब दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बात आई है अलीराजपुर की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट अलीराजपुर के बारे में बता दें। दोस्तों शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्म स्थली जो भावरा गाँव में है, यह अलीराजपुर में ही स्थित है। भारत और मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर ही है। दोस्तों आम की नूरजहां प्रजाति देश विदेश में प्रसिद्ध है, यह अलीराजपुर में ही स्थित है। महुआ उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश में पहला स्थान अलीराजपुर का ही है। दोस्तों मध्य प्रदेश में जो कश्मीर या कट्टरवाड़ा है, यह अलीराजपुर में ही स्थित है। विक्टोरिया ब्रिज की स्थापना भी अलीराजपुर में ही की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही ऑप्शन है 1941 में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और दोस्तों आपको पता है होलकर क्रिकेट स्टेडियम मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया था? इसका सही ऑप्शन है 30 अप्रैल 1977 को मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। दोस्तों अब तक मध्य प्रदेश में कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कितने स्थलों को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है कुल 3 स्थलों को। अब दोस्तों ये कुल 3 स्थल कौन कौन से हैं, उनके नाम आपको बता दें। तो खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर, यह विश्व विरासत स्थल में शामिल किए गए हैं। दूसरा है दोस्तों सांची के स्तूप को मध्य प्रदेश के
विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। और दोस्तों इसके अलावा तीसरा है भीम बैठिका की गुफाएं जो रायसेन जिले में स्थित हैं, यह भी विश्व विरासत स्थल में शामिल की गई हैं। तो दोस्तों ये कुछ तीन इंपॉर्टेंट जो विरासत स्थल है मध्य प्रदेश में, आपको इनके नाम याद रखने हैं, एग्जाम में कहीं से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे दोस्तों ये ऊपर का क्वेश्चन है कि कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 3 बार लगाया गया था। अब एक्स्ट्रा बार आपको डेट याद नहीं रखनी है, क्योंकि दोस्तों डेट नई एग्जाम में इतने ज्यादा टफ नहीं होता है कि आपसे डेट पूछा जाए, तो इसलिए मैंने आपको एक बार बता दिया है कि मध्य प्रदेश में कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जल प्रपात चचाई किस नदी पर स्थित है, तो इसका सही ऑप्शन है बीहड़ नदी पर। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जल प्रपात जिसका नाम चचाई है, यह बीहड़ नदी पर स्थित है। और दोस्तों आपको बता दें रीवा में यह जल प्रपात स्थित है। मध्य प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, तो इसका सही ऑप्शन है होशंगाबाद। होशंगाबाद जिले में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अब दोस्तों बात आई है होशंगाबाद की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट होशंगाबाद के बारे में बता दें। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन जो इटारसी है, यह होशंगाबाद में ही स्थित है। होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल भी स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल जो तवा नदी पर बनाया गया है, यह होशंगाबाद में ही स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र इटारसी के अभ्रक कारखाने में लगाया जा रहा है। सतपुड़ा की रानी पचमणी हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है पचमणी, यह होशंगाबाद में ही स्थित है। प्रियदर्शनी इंदिरा पॉइंट जो पचमणी में है, यह होशंगाबाद में ही स्थित है। प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जो 1350 मीटर ऊंची है, यह होशंगाबाद में ही स्थित है। दोस्तों बोरी घाटी सागौन क्षेत्र, यह भी होशंगाबाद में ही स्थित है। बाबई में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कृषि फार्म उपलब्ध है, यह भी होशंगाबाद में ही स्थित है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट होशंगाबाद के बारे में, आपको याद रखनी है। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों पंडित रविशंकर मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध सितार वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, जिसका सही ऑप्शन है जैसमंद झील। जैसमंद झील जो राजस्थान में है, यह मध्य एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश एकमात्र भारतीय प्रबंधन संस्थान कहां पर स्थित है, जिसका सही ऑप्शन है इंदौर। इंदौर में मध्य प्रदेश का एकमात्र भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM स्थित है। दोस्तों कवि अंत्योष्टि योजना किस जिले में लाई गई है, जिसका सही ऑप्शन है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में। कबीर अंत्योष्टि योजना मध्य प्रदेश में लाई गई है। इसके अंतर्गत दोस्तों जो भी व्यक्ति मृत हो जाते हैं, तो उन ST SC एक्ट कैटेगरी के लिए, तो उनको सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त की जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की, तो जो भी अभी तक 2019 का करंट अफेयर है दोस्तों, उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने। तो पहला क्वेश्चन है विश्व स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, जिसका सही ऑप्शन है 140वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में मध्य प्रदेश का स्थान 140वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कब विश्व धरोहर दिवस मनाया गया है, जिसका सही ऑप्शन है 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया गया है। और दोस्तों इसी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कौन कौन सी जो मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल है, उनके बारे में आपको याद रखना है, एक बार उनको रिवाइज यहां पर जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जिले में देश का पहला 108 फीट ऊंचा रामवंश मंदिर बनाया जा रहा है, जिसका सही ऑप्शन है विदिशा में। विदिशा में देश का पहला 108 फीट ऊंचा रामवंश रण मंदिर बनाया जा रहा है। अब दोस्तों बात आई है विदिशा की, तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको विदिशा के बारे में बता दें। दोस्तों विदिशा जो भोपाल संभाग का एक जिला है, विदिशा की प्राचीन नाम भेलसा है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक चने की फसल का उत्पादन विदिशा से ही होता है। उदयगिरी की गुफाएं भी विदिशा में ही स्थित है। ग्यारसपुर जहां प्राचीन पुरातात्विक स्थल घोषित किया गया है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, यह भी विदिशा में ही स्थित है। जैन तीर्थकल शीतलनाथ की जन्मस्थली भी विदिशा जिला ही है। तो दोस्तों इतने इंपोर्टेंट फैक्ट आपको विदिशा के बारे में याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, तो इसका सही ऑप्शन है 112 है। 112 हेल्पलाइन नंबर मध्य प्रदेश में जारी किया गया है
अब आपको बता रहे हैं, इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए आप एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस, महिला सहायता आदि के लिए एक ही नंबर डायल करना पड़ेगा और वह है 112 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कहां सारंग तोप को अपग्रेड किया जा रहा है? जिसका सही ऑप्शन है जबलपुर जिले में। जबलपुर जिले में सारंग तोप को अपग्रेड किया जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा 130 मेगावाट क्षमता वाला सोलर पावर प्लांट कहां लगाया गया है? जिसका सही ऑप्शन है नीमच जिले में। नीमच जिले में एशिया का सबसे बड़ा 130 मेगावाट क्षमता वाला सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध मंगलनाथ मंदिर कहां पर स्थित है? जिसका सही ऑप्शन है उज्जैन में। उज्जैन में प्रसिद्ध मंगलनाथ मंदिर स्थित है। अब दोस्तों बात आई है उज्जैन की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट उज्जैन के बारे में बता दें। प्राचीन काल में उज्जैन को अवंतिका या उज्जैनी के नाम से जाना जाता था। राजा विक्रमादित्य ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। उज्जैन में सबसे पहले शून्य का उपयोग ब्रह्मगुप्त के द्वारा किया गया था। क्षिप्रा नदी के तट पर मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीन नगरी उज्जैन ही स्थित की गई थी। दोस्तों सिंहस्थ कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष में उज्जैन में लगाया जाता है। कायथा ताम्र पाषाण कालीन स्थल भी उज्जैन में ही स्थित है। दोस्तों मध्य प्रदेश उज्जैन के मंगलनाथ में पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। तो ये आपको इंपोर्टेंट फैक्ट उज्जैन के बारे में याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार कौन सी त्रासदी की इस सदी की सबसे बड़ी घटना है? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों भोपाल गैस रिसाव। भोपाल गैस रिसाव इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी है। अब दोस्तों आपको बता दें, भोपाल गैस कांड 2 और 3 दिसंबर 1984 को हुआ था और इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 2019 में किस जिले में धनसुआ गोसाई मंदिर को राज्य संरक्षित घोषित किया गया है? जिसका सही ऑप्शन है बालाघाट। बालाघाट जिले के धनसुआ गोसाई मंदिर को राज्य संरक्षित घोषित किया गया है। अब दोस्तों बात आई है बालाघाट की, तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको इसके बारे में बता दें। दोस्तों मैग्नीज नगरी शिकारियों के स्वर्ग के नाम से बालाघाट को जाना जाता है। सर्वाधिक लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं बालाघाट में ही हैं। मलाजखंड तावा भंडार भारत का सबसे बड़ा स्थल बालाघाट में ही स्थित है। लांजी नक्शावाली समस्या से ग्रसित बालाघाट ही है। तालाबों द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई बालाघाट में की जाती है। दोस्तों इसका जो आकार है जिले का वह उड़ती चिड़िया के समान है। गांगुल पारा प्रपात इसी जिले में स्थित है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको बालाघाट के बारे में याद रखने हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आप वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट वीडियो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट हम आपको जल्दी लेकर आने वाले हैं। और इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश के और भी स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक मैं आपके साथ वीडियो में लेकर आने वाला हूं, तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।